वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जरा मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगी कि पहले ये पानी जो मेरे पैरों को छूता हुआ गुजर रहा है दिखाएं, उसके बाद बताऊँगी आज मैं किस जगह मौजूद हूँ। जनाब, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के घर जिनके पास लोकल गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं ना एक मजबूत तरीन किस्म का अब मैं अपनी बेटी की जो छतरी साथ चुरा के लाई उसे बंद करूं, उसके बाद आगे बात करती हूँ। ये लीजिए, ओके। एक मजबूत तरीर उनके पास रहा शोभा और इस वक्त वो सेनेटर भी हैं, सईद गरीब साहब। अभी हम उनसे मिलेंगे, उनकी एलिया से मिलेंगे, लेकिन मेरा जो पहला ताबड़तोड़ हमला होगा वो ये होगा कि सर, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के बाहर की सफाई भी करना, अपने इलाके की सफाई करवाना तो बहुत ज़रूरी है। और इनकी गवर्नमेंट ने तो कई दहाइयों से हमारे मुल्क के ऊपर क्या कहते हैं, काबिज भी रहे हैं, कुछ हकूमत भी की है, सदर भी रहे। बीबी के हम सब शैदाई हैं, आशिक हैं हम लोग अपनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन जैसी पर्सनालिटी, उन जैसा ऑरा जो था वो अब इस मुल्क को क्या इस दुनिया को कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन बीबी के ख्यालात, बीबी की सोच, बीबी इस मुल्क के लिए क्या चाहती थी, भुट्टो साहब क्या चाहते थे, क्या उसको लेके पीपल्स पार्टी आगे बढ़ सकी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में इनका बहुत हाथ रहा। तो पहला ताबड़तोड़ हमला तो यही होना है, लेकिन अभी नहीं होना, क्योंकि पहले मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, उनकी एहलिया से मिलवाऊंगी, आज उनकी फैमिली से मिलवाऊंगी। थोड़ी हल्की फुल्की बातों में थोड़ी कड़वी कड़वी बातें तो होनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पहले सलाम बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे सीख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बहुत शुक्रिया। और हम पीपल्स पार्टी के फ़ैन हैं, तो हमने सोचा हम यहाँ तो पहुँचे, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपके इलाके में मैं आई, और आपने अब तक अपना ये मेरा ख्याल गढ़ है आपका, आपने ही पैदा हुए, सदियों से रहे, लेकिन हालात आपने देखे हमारे, बारिश होती है, लेकिन एक बात अच्छी थी, आपकी सड़क के बाहर सारी लाइटें ऑन थी, पूरे कराची की लाइटें गायब हैं। ये यहाँ वैसे नहीं, यहाँ तो लोड शेडिंग होती है इस इलाके में, और मैं खैर इस पर बात करता रहता हूँ कि कराची शहर के वो जो गरीब आबादियाँ हैं, हाँ, वहाँ सर्दी हो गई, अभी तक लाइट नहीं, रात से गई सुबह, वो फॉल्ट हो गया होगा, फिर फॉल्ट हुआ होगा। सेनेटर सईद गरीब साहब, उनकी अहलिया और अब माशाल्लाह से उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो नाम से बेनज़ीर ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह शख्सियत में भी बेनज़ीर होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरजान। पहले तो बाबा की थोड़ी सी बुराइयाँ कर लें। नहीं नहीं नहीं, कर लेते ना बाबा, टाइम वाइम भी तो नहीं देते, सारा दिन बिजी बिजी रहते हैं, जलसे में चले जाते हैं, कभी जरदारी अंकल का फ़ोन आ जाता होगा वहाँ चले जाते होंगे, कभी ब्लावर साहब ने फ़ोन कर लिया, कोई मीटिंग बुला ली वहाँ चले गए, तो हमारा टाइम तो चला गया, ऐसा होता है ना, कभी कभी शिकायत करते हो। ये देखा, इनका क्या नाम है? नरमी। ओके नरमी जी, उस्मान आप भी आ जाओ हमारे पास प्लीज़। हम ये बाबा के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम बाबा की शिकायतें इकट्ठी करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे कि बाबा के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे ज़्यादा शिकायत किसको है बाबा से कि बाबा टाइम नहीं देते? वो तो आपने बता दिया। और बाबा शॉपिंग के लिए लेके जाते जल्दी, सच बोलना है, सियासत लेके जाते? नहीं, मैं मान नहीं सकती, मुझे भी अपने अब्बा से थी जो कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो घर पे होते थे, तभी हमें शिकायत थी कि पापा प्लीज़ आप हर वक्त खबरें सुनते रहते हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हाँ, खबरें सुनते रहते हैं। देखा, इसे उगलवाती हूँ मैं, खबरें सुनते रहते हैं जी, और फिर उस वक्त ये नहीं कहते प्लीज़ खामोशी कहते हैं। सर ये तो देखें ना, बच्चों वाला टाइम मुझे, और उसमें टेलीफोन भाभी आप इनको सख्ती से कहते हैं कि फोन बंद, और वो वाला चाहे 20 मिनट ही क्यों ना हो, नहीं हो सकती वो 20 मिनट ही क्यों ना, वो हमारी फैमिली का टाइम होना चाहिए। नहीं, ये सख्ती नहीं हो सकती, लेकिन आजकल मैंने इनसे कहा हुआ है कि कम अज कम संडे का हाफ डे ही बच्चों को दे दें। जरूरी है। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप एक बाप का बच्चों के साथ होना और उनको टाइम देना, और आप जिस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं? है तो बहुत ज़रूरी बच्चों को टाइम देना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये जो मैं अक्सर दोस्तों से ही बात करता हूँ कि जब आपको ज़्यादा काम करना होता है तो आप टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं? सही, मतलब फैमिली रह जाती है जिसके टाइम को आप कट कर सकते हो, उनका जो हक है वो मार सकते हैं। हाँ,
बाकी जो आपकी ज़िंदगी के हिस्से हैं या शोबे हैं उनमें से वक्त कटता नहीं है, वो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। सेनेट में था तो रिलेटिवली थोड़ा बच्चों को टाइम इसलिए मिल जाता था कि ये भी इस्लामाबाद थे, तो मैं इस्लामाबाद जब सेनेट में जाता था तो वहाँ मुझे और पॉलिटिक्स नहीं थी जो लोकल यहाँ में करता हूँ, तो बच्चों के साथ टाइम हो जाता था, कभी आ जाता था। आपको लगता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स है? तो बच्चों को और फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये फैक्ट है। ये तो जवाब हुआ कंप्लीट। नहीं, मुझे इस चीज़ का एहसास है, एहसास है। लेकिन इशू ये है कि अब वर्किंग डेज में तो ज़ाहिर है जो सरकारी काम है वो करता हूँ, छुट्टी के जो दो दिन होते हैं मेरे सैटरडे और संडे या इसके अलावा कोई और छुट्टी आ जाए तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अपने इलाके को टाइम देता हूँ। सही, आपकी बात को रोकते हैं माजरत के साथ, जिस इलाके में आप रहते हैं सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हम देखते हैं कराची में तो इस इलाके में होते हैं, इसी क्या रीजंस आपको नज़र आते हैं? मेरा ख्याल है ये गलत तासुर है कि क्राइम यहाँ ज़्यादा होते हैं। कोई एक वक्त था ज़रूर कि जब ये कुछ वो गैंग्स थे जिस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, उस वक्त यहाँ इशू था ज़रूर, लेकिन अब काफ़ी अरसे से हालात यहाँ बहुत बेहतर हैं। भाभी से पूछते हैं, भाभी इनको एनिवर्सरी याद रहती? भाभी को सालगिरह, कोई बच्चों की सालगिरह, कोई टाइम से ये पहुंची नहीं, नहीं, याद रहती है, याद रहती है, सिर्फ याद रहती है, तोहफा तक याद रहता है तो नहीं, लेकिन याद रहती है। मतलब ये वो वाले भी नहीं है, अच्छा बेगम ये कार्ड पकड़ो तुम खुद ही अपनी तरफ से गिफ्ट ले लेना, या कहते नहीं मैं खुद ही देखूंगा है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, याद रहती है इनको, बच्चों की बर्थडे याद रहती है, बस याद तक। हेलो, नहीं बच्चों की बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी नहीं, वो कहते हैं अब क्या ये मर्दों में ये कॉन्सेप्ट क्यों है? मेरे मियाँ के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम, हमारी एक बेटी है 4 साल हुए शादी हुई, तो 4 साल हो गए बेगम आपको एनिवर्सरी के, बेगम मतलब 4 साल हुए हैं, मैं तो 40 साल बाद भी ऐसी ही होंगी अदनान, मुझे तो 15 साल हो गए, तो 15 साल बाद भी उस खूबसूरत दिन को याद रखना चाहिए जो 15 साल से आपकी शरीक हयात है। नहीं तो उसको रोज याद रखते हैं। अच्छा लो जी, शरीक हयात में ही दो का पहाड़ा हो गया, उन्हें हमने याद रख लिया है। लेकिन भाभी कभी आपने शिकवा किया कि नहीं मियाँ बहुत हो गया बस, मतलब एक तो वेकेशन बनती है, तो हम लोगों को ये होता है कि पता होता है कि इनके पास टाइम नहीं है, ये अब उसको बार बार वो शिकवा कर करके अपने घर का माहौल खुद का खराब करना, हाउस तो इस वजह से मैं नहीं। सो इंटेलिजेंट आप इनके साथ रह गए, इतनी सियासी हो गई है या शुरू से इतनी समझदार हैं? से हम लोग कजन हैं। अच्छा, तो पता था शुरू से कि ये इतने ही बिजी होंगे और मुझे इसी तरह निभाना है और निभाना है, तब मेंटली तैयार होकर आई थी। बिल्कुल सही, शादी के बाद ज्यादा बिजी हो गए। मजे की बात है, पता इनको याद होगा नहीं होगा, जब मेरी शादी हुई तो जाहिर है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन के दोस्त थे पूरे पाकिस्तान से सब आए, तो मैंने अपनी शादी के अगले दिन भी मीटिंग की हुई है। हाँ, शादी के तीसरे दिन तो ये पूरे पाकिस्तान टूर पे 10 डेज के लिए चले गए, हमारी शादी को 3 दिन हुए थे। आप सोचे ना, इसीलिए मैं इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ आई, मैंने कहा कम से कम रात को तो रात को वापस तो आएगी, शक्ल तो देखने को मिलेगी, सुबह भी साथ होंगे, तो इस वजह से फिर मैंने इस्लामाबाद को बाय बाय करके हम लोग आए, शिफ्ट हुए इस वजह से। चलिए ग्रेट, बट ये कि जनाब टाइम थोड़ा दें, कम दें, ज़्यादा दें, ज़रूरी है कि वो टाइम हेल्दी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, प्यार भरा अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला होना चाहिए। आई थिंक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिद्धू निसा सर मौजूद होंगे और हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे जानेंगे कुछ और चीज़ें, वो अभी नहीं बताऊँगे, कुछ चीज़ें सरप्राइज होनी चाहिए, तो सरप्राइज रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएगा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो पहला कदम आपने अपनी ज़िंदगी का रखा वो आपने बैंकिंग के शोबे में रखा। बस ये भी वो जो कहते हैं ना, जहाँ लिखा होता बंदा वहाँ जाता है। वालिद साहब जब हयात थे वो कभी नहीं चाहते थे मैं सियासत में। अच्छा। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं वलीका हॉस्पिटल में, जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि देर से वेरी नाइस, क्या साफ सुथरा माहौल, ज़बरदस्त किस्म का। सुबह सुबह अगर हम आते तो हमें जो है वो OPD भी मिलती और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें देखने को मिलती, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी लग रही है वो एंटर होते ही, क्योंकि जब हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुसते हैं तो उसमें घुसने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। यहाँ हमारे कदम भी नहीं रुके और हिचकिचाए भी नहीं, 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 भी नहीं थी और सफाई भी है, काफ़ी बेहतरी है और मजीद आगे बेहतरी होनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल।
अभी यहाँ का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है। चले वो तो एक वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो रही है, लेकिन पहला कदम तो उठा लिया गया। हाँ, नहीं, बेहतरी का हाँ, बेहतरी की तरफ एक पहला कदम तो उठा है। ये भी बन रहे हैं, ये इमरजेंसी है सर के आने के बाद। अच्छा, नए सिरे से ये बन रही है सर। अच्छा, यहाँ जो भी इमारत काफी पुरानी है जी, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इमारत के अंदर जो बेहतरी से वो कर लें और कुछ नई चीजें भी इसमें भी कुछ चीजें नहीं ऐड करके इसको मजीद बेहतर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर कैसा लग रहा है कि अब एक नई चेंज आ रही है? सर वेरी यू अप्रिशिएट इट। ओके, जो टेस्ट यहां अवेलेबल नहीं है जी बाहर से करवा, वो बाहर से करवा देते हैं। डाओ से आजकल हमारा ज्यादातर डाओ से करवाए जाते हैं हमारे, और जो नहीं होते वो फिर जो भी लेबोरेटरी चाहे हमारी, इवन हम आगा खान से भी करवा लेते हैं, फिर उनको पेशेंट को बाद में पे करते हैं। यहाँ आपको डॉक्टर्स अवेलेबल मिलेंगे। जनाब आपने ये वली का हॉस्पिटल का हम इस वक्त राउंड ले रहे हैं। अभी तो काफी बड़ा है तो अभी जी बहुत बड़ा है ये, मेरे तो पैर अभी से दुखना शुरू हो गए, लेकिन इट्स गुड, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे शहर कराची में कुछ अच्छा काम हो रहा है। सैम्पलिंग बॉक्स सही, ग्रेट। ये हमारा जो किडनी सेंटर है वहाँ पर 20 मशीन 20 मशीन ओके जी, हम हॉस्पिटल से तो आ गए हैं और जैसे कि हमने कहा था अभी हम इस मौसम को एंजॉय करेंगे और पकोड़े खाएंगे। मेरे ख्याल है ये आप अपनी लाइफ में पहली बार ये वाली हरकत कर रहे हैं। हाँ, बाकायदा सर आप हमें थैंक यू करें ना। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया। और हैं बड़े अच्छे टेस्टी हैं ये पकोड़े, खा रहे खा रहे। और ये सफर तय करते करते अब हम सर कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं हमारे मीडिया सेल। कुछ मौसम का मजा लेते हुए गर्म गर्म पकोड़े खाते हुए थोड़े से मुझे आपसे गर्म गर्म से सवाल रैपिड फायर जी, मैं कुछ नाम लूंगी और जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी आपने फौरन बोलना है। बिलावल भुट्टो लीडर। लाहौर अच्छा शहर है। नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है। इमरान खान बस दुआ करता हूँ उसके लिए कि अल्लाह उनको अकल दे दे। ओए होए 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 होए। भुट्टो साहब अजीम लीडर है, अजीम लीडर। इसमें कोई शक? बीबी। बीबी मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, सब कुछ थी वाली। सरदारी साहब वो भी लीडर है। एमक्यूएम उनके पास मौका है कि वो ठीक हो जाएं। मौका है ठीक हो जाएं। पाक सर जमीन याद बाहर, ये जो नई पार्टी हमारे पास आ गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पानी का बुलबुला है। ओ पानी द बुलबुला। अच्छा जी, पानी द बुलबुला पाक सर जमीन के लिए आपने कहा। और इस वक्त की जो करंट मेरा ख्याल सिचुएशन है उसको देखते हुए, जब एक मुछो वाला भाई हमारा निकल पड़ा है और शहर साफ करता फिर रहा है, उसने हमारे कायम अली शाह साहब की बड़ी तस्वीरें भी बनाई थी, उनके बारे में आपकी राय? अब पता नहीं, वो मेरा ख्याल है जो मेरी राय में नाजुक अच्छा है। ठीक है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, बस ठीक है, ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो उनको जो ठीक है। कहीं 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 ओवर हो जाते हैं लेकिन ठीक है। तो जनाब ये सफर चल रहा है, बड़े मज़े मज़े के इन्होंने हमें जवाब दिए। पानी का बुलबुला मुझे याद रहेगा, ये जवाब इंटरेस्टिंग सा था। शेख रशीद साहब के बारे में तो ना कोई कुछ कहे, ये कैसे हो सकता है? दिलचस्प आदमी है, दिलचस्प आदमी है। मेरा ख्याल है हर शख्स ने शेख रशीद साहब आपके लिए यही कहा कि दिलचस्प आदमी है, और उनकी जो मुद्दतें वो ख़त्म नहीं होती, हर मार्च उनके लिए कोई ना कुछ लेकर आ रही थी। अब ये बड़ी बात है, उनकी बड़ी बात ये है कि उनकी कोई पेशेंट की सादत नहीं सही, लेकिन फिर भी लोग उनकी पेशेंट में यकीन करते हैं। वो क्योंकि दिलचस्प आदमी है, क्योंकि वो दिलचस्प आदमी है जनाब, तो वो मज़ा आता है। कायम अली शाह साहब, कायम अली साहब को लोग समझ नहीं सके हैं सर, जितनी नहीं मैं बताऊँ, उम्र जितनी उनकी है ना,
उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। जितनी उनकी याददाश्त है, लोग समझते हैं कि याददाश्त ठीक नहीं, याददाश्त उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। उम्र में जितने वो एनर्जेटिक हैं, शायद मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं वो। तो आप जो उनकी खूबियाँ उनको भी तो देखें ना, कि अगर एक शख्स 85 साल से उम्र ज़्यादा उनकी उम्र हो और इतना वो काम करे, तो हमें इसको भी तस्लीम करना चाहिए। रिसेंटली गवर्नर का फैसला जो हुआ, उसको लेके आप क्या? मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ज्यादती की इस सूबे के साथ भी, अपने साथ भी, और मरहूम गवर्नर साहब के साथ भी। बिल्कुल, मेरे ख्याल उनके फ़ोन पे बात होती रही, उन्होंने मरहूम गवर्नर साहब को तब तक देखा नहीं था। मेरा अपना भी ख्याल है कि उन्होंने शायद देखा नहीं था जी, और उन्होंने फ़ोन पर उनसे रजामंदी ले ली जी जी, और उन्होंने वो है उनको नॉमिनेट कर दिया। तो अब आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किसको आप गवर्नर देख रहे हैं? इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है, लेकिन कुछ एक आइडिया तो होता है कि नहीं। मैं अभी कोई आइडिया मतलब नाम नहीं दे सकता हूँ, ये मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन ये उनका इख्तियार है, इस्तेहकाक उनका है। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो सूबाई हुकूमत से मशावरत कर लें, उससे ही होगा कि जो रिलेशनशिप रहेगी वो बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अल्ताफ हुसैन साहब रैपिड फायर में नाम नहीं आया। अच्छा, वो नहीं आया? नहीं, अब आ गया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें हालात को समझना चाहिए, बहुत वक्त गुजरा और जो जो कुछ उनकी जमात ने, उन्होंने शहर के साथ किया, उसके बाद भी लोगों ने भी और शायद इदारों ने उन्हें बड़े मौके दिए। और ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं आते, बार बार नहीं आते। मोहब्बत अच्छी चीज़ है, बहुत करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको मोहब्बत, ज़रूरी नहीं कि आप यही कहेंगे लड़की से, लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं है, तो आप ज़िंदगी को ना इन्जॉय कर सकते हैं, ना आप मोटिवेट हो सकते हैं, और ना ही चीज़ें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं। ग्रेट जनाब, ये मेरा वाला जवाब दिया है कि मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने से भी मोहब्बत नहीं करेंगे, तो आप कभी किसी चीज़ से मोहब्बत या किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो फर्स्ट खुद से मोहब्बत कीजिए, और फिर उसके बाद आप देखिएगा इस तरह से ये मोहब्बतें फैलाना शुरू करने का अमल होगा जनाब। तो चलते हैं ये सफ़र को लेके, थोड़ा सा आपको अपने शहर भी दिखाते हैं इस मौसम में, और हमें पकौड़े खा लेते हैं। रैपिड फायर यही ख़त्म करते हैं हम। अच्छा जनाब, इस वक्त हम मीडिया सेल में मौजूद हैं, मौजूद नहीं मतलब पहुंच रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। तो यहां क्या क्या गुफ्तगु होगी, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, ये यकीन हम इसी तरह सब बताएंगे। चले जी, अब जरा देखते हैं पूरा सेटअप मीडिया सेल का, क्या सेटअप होता है, कैसे ये नजर रखते हैं हम सब पे, मेरा मतलब है न्यूज़ चैनल्स पे, दूसरे चैनल्स पे कैसे नजर रखी जाती है। अच्छा, बकायदा लोग होते हैं जो उसको रीड कर रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं, कौन सा चैनल फेवर में जा रहा है, कौन सा फेवर में नहीं जा रहा है। ये हमारा जो न्यूज रूम है, न्यूज रूम है ये जी। अच्छा, अच्छा लंच ब्रेक है, जो खबरें होती हैं, सही होती हैं, वो यहाँ से जाती हैं। अच्छा, अगर कभी कभी कोई गलत खबर है भी निकल गई, बीच में गलत खबर निकल गई थी, कभी कभी हो जाता है। कि यहाँ सब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लेकिन ये वैसे बंद हैं, हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है सबकी। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड, लेकिन वो थ्रू सैटेलाइट है, तो अगर केबल बंद भी हो जाए तो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है सारे चैनल्स। ओके, सब न्यूज़ चैनल्स हैं सारे का। सही, ये शायद किसी पार्टी के पास नहीं होगा। अरे वाह, जबरदस्त वाकई, और ये प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर लाइट्स हैं यहाँ तो जबरदस्त। यानी कि जब आप किसी चैनल पे जब ऑन एयर होते हैं तो वो आप यहाँ से भी करते हैं, मैं तो नॉर्मली रूम से करता हूँ, बट यहाँ से भी करते हैं, और इसको आगे इस्तेमाल करने के हमारे कुछ और मकसूदे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, अभी पीटीआई से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। अरे वाह, पीटीआई में ऐसा क्या था जो पीपल्स पार्टी में नहीं था, या पीपल्स पार्टी में ऐसा क्या है जो पीटीआई में नहीं था? पहला सवाल तो ये ताबड़तोड़ बनता है ना। इस शहर ने 2013 में इमरान खान साहब को 10-1 लाख वोट दिए, खान साहब ने कराची को भूल गए, मगर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी नहीं भूल रही कराची को। देखे कितने सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत में हो रहे हैं। नासिर साहब जो हैं हमारे ट्रेड यूनियन के बड़े जी, नासिर साहब एक्टिविस्ट हैं, जहरा भी बहुत एक्टिव हैं, जहरा खवातीन के लिए बड़ा काम करती हैं,
सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, होल लवली डे आपके साथ हमने गुजारा, आपकी फैमिली के साथ गुजारा, मजेदार पकोड़े हमने खाए, आपने खाए जो आपने अपने बचपन की कुछ यादों में से ताज़ा किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो भी आप नए कदम उठाना चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, अल्लाह करे उसमें कोई रुकावट ना आए और वो पुरसकून तरीके से जाए। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, आपने सारा दिन दिया, थैंक यू सो मच। जनाब आप लोग मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट मंडे आप लोगों से मुलाकात होगी नई शख्सियत, नई गुफ्तगू और नए चेहरे के साथ। जनाब अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड के बाद का जो मंडे होता है उसका स्टार्ट तो मैं आपको अच्छा सा दे देती हूँ, अब पूरा हफ्ता आपने कैसे गुजारना है ये आपने तय करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं वलीका हॉस्पिटल में, जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि दे सकते हैं, वेरी नाइस, क्या साफ सुथरा माहौल, ज़बरदस्त किस्म का। सुबह सुबह अगर हम आते तो हमें जो है वो OPD भी मिलती और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें देखने को मिलती, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी लग रही है वो एंटर होते ही, क्योंकि जब हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुसते हैं तो उसमें घुसने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, यहाँ हमारे कदम भी नहीं रुके और हिचकिचाए भी नहीं, क्योंकि बदबू भी नहीं थी और सफाई भी है, काफ़ी बेहतरी है और मज़ीद आगे बेहतरी होनी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल। अभी यहाँ का काम चल रहा है, सही चले, वो तो एक वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन पहला कदम तो उठा लिया गया, नहीं बेहतरी का, हाँ बेहतरी की तरफ एक पहला कदम तो उठा है। ये भी बन रहे हैं, ये इमरजेंसी है सर के आने के बाद, अच्छा नए सिरे से ये बन रही है सर, अच्छा यहाँ जो भी इमारत काफी पुरानी है जी, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इमारत के अंदर जो बेहतरी से वो कर लें और कुछ नई चीज़ें भी इसमें भी कुछ चीज़ें नहीं ऐड करके इसको मजीद बेहतर, हमारा तुम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर कैसा लग रहा है कि अब एक नई चेंज आ रही है? सर ओके, जो टेस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है जी बाहर से करवा, वो बाहर से करवा दें, डाओ से आजकल हमारा ज़्यादातर डाओ से करवाए जाते हैं हमारे, और जो नहीं होते वो फिर जो भी लेबॉरेटरी चाहे हमारी, इवन हम आगा खान से भी करवा लेते हैं, फिर उनको पेशेंट को बाद में पे करते हैं। यहाँ आपको डॉक्टर्स अवेलेबल मिलेंगे जनाब, आपने ये वलीका हॉस्पिटल का हम इस वक्त राउंड ले रहे हैं जी, अभी तो काफी बड़ा है तो अभी जी बहुत बड़ा है ये, मेरे तो पैर अभी से दुखना शुरू हो गए, लेकिन इट्स गुड, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे शहर कराची में कुछ अच्छा काम हो रहा है। थ्री बेड्स हैं, टू मशीन्स हैं, सैम्पलिंग बॉक्स सही, ग्रेट, ये हमारा जो किडनी सेंटर है वहाँ पर 20 मशीन, 20 मशीन, ओके जी हम हॉस्पिटल से तो आ गए हैं और जैसे कि हमने कहा था अभी हम इस मौसम को एंजॉय करेंगे और पकोड़े खाएंगे। मेरे ख्याल है ये आप अपनी लाइफ में पहली बार ये वाली हरकत कर रहे हैं। हाँ बाकायदा सर, आप हमें थैंक यू करें ना। नहीं आपको बहुत शुक्रिया, और हैं बड़े अच्छे टेस्टी हैं ये पकोड़े, खा रहे खा रहे हैं। और ये सफर तय करते करते अब हम सर कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं हमारे मीडिया सेल, कुछ मौसम का मजा लेते हुए गरम गरम पकोड़े खाते हुए थोड़े से मुझे आपसे गरम गरम से सवाल रैपिड फायर जी, मैं कुछ नाम लूंगी और जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी आपने फौरन बोलना है। बिलावल भुट्टो लीडर, लाहौर अच्छा शहर है, नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है, इमरान खान बस दुआ करता हूँ उसके लिए अल्लाह उनको अकल दे दे, ओए होए 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 होए, भुट्टो साहब अजीम लीडर है, अजीम लीडर, इसमें कोई शक, बीबी, बीबी मेरी माँ थी, मेरी बहन थी,
सब कुछ दिया। सरदारी साहब वो भी लीडर हैं। एमक्यूएम उनके पास मौका है कि वो ठीक हो जाए। मौका है ठीक हो जाए। बॉक्सर जमीन बाहर, ये जो नई पार्टी हमारे पास आ गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पानी का बुलबुला है। ओ पानी द बुलबुला। अच्छा जी, पानी द बुलबुला बॉक्सर जमीन के लिए आपने कहा। और इस वक्त की जो करंट मेरा ख्याल सिचुएशन है उसको देखते हुए, जब एक मुछों वाला भाई हमारा निकल पड़ा है और शहर साफ करता फिर है, उसने हमारे कायम अली शाह साहब की बड़ी तस्वीरें भी बनाई थी, उनके बारे में आपकी राय? अब पता नहीं, वो मेरा ख्याल है जो मेरी राय में नाजुक तो अच्छा है, ठीक है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं बस, ठीक है, ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो उनको जो ठीक है, कहीं 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 ओवर हो जाते हैं लेकिन ठीक है। तो जनाब ये सफर चल रहा है, बड़े मजे मजे के इन्होंने हमें जवाब दिए, पानी का बुलबुला मुझे याद रहेगा, जो हम इंटरेस्टिंग सा था। शेख रशीद साहब के बारे में तो ना कोई कुछ कहे, ये कैसे हो सकता है? दिलचस्प आदमी है, दिलचस्प आदमी है। मेरा ख्याल है हर शख्स ने शेख रशीद साहब आपके लिए यही कहा कि दिलचस्प आदमी है, और उनकी जो मुद्दतें वो ख़त्म नहीं होती, हर मार्च उनके लिए कोई ना कुछ लेकर आ रही थी। अब ये बड़ी बात है, उनकी बड़ी बात ये है कि उनकी कोई पैशन कोई साबित नहीं हुई सही, लेकिन फिर भी लोग उनकी पैशन में यकीन करते हैं। वो क्योंकि दिलचस्प आदमी है, क्योंकि वो दिलचस्प आदमी है जनाब, तो वो मज़ा आता है। कायम अली शाह साहब, कायम अली साहब को लोग समझ नहीं सके हैं सर, जितनी नहीं मैं बताऊँ, उम्र जितनी उनकी है ना, उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। जितनी उनकी याददाश्त है, लोग समझते हैं कि याददाश्त ठीक नहीं, याददाश्त उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। उम्र में जितने वो एनर्जेटिक हैं, शायद मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं वो। तो आप जो उनकी खूबियाँ उनको भी तो देखें ना, कि अगर एक शख्स 85 साल से उम्र ज़्यादा उनकी उम्र हो और इतना वो काम करे, तो हमें इसको भी तस्लीम करना चाहिए। रिसेंटली गवर्नर का फैसला जो हुआ उसको लेके आपका? मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ज्यादती की इस सूबे के साथ भी, अपने साथ भी, और मरूम गवर्नर साहब के साथ। बिल्कुल, मेरे ख्याल उनके फ़ोन पे बात होती रही, उन्होंने मरूम गवर्नर साहब को तब तक देखा नहीं था। मेरा अपना भी ख्याल है कि उन्होंने शायद देखा नहीं था जी, और उन्होंने फ़ोन पर उनसे रजामंदी ले ली जी जी, और उन्होंने वो है उनको नॉमिनेट कर दिया। तो अब आप क्या देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किसको आप गवर्नर देख रहे हैं? इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है, लेकिन कुछ एक आइडिया तो होता है कि नहीं? मैं अभी कोई आइडिया मतलब नाम नहीं दे सकता हूँ, ये मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन ये उनका इख्तियार है, इस्तेहकाक उनका है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो सूबाई हुकूमत से मशावरत कर लें, के साथ उससे ही होगा कि जो रिलेशनशिप रहेगी वो बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अल्ताफ हुसैन साहब रैपिड फायर में नाम नहीं आया। अच्छा, वो नहीं आया? नहीं, अब आ गया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें हालात को समझना चाहिए, बहुत वक्त गुजरा और जो जो कुछ उनकी जमात ने उन्होंने शहर के साथ किया, उसके बाद भी लोगों ने भी और शायद इदारों ने उन्हें बड़े मौके दिए, और ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं आते, बार बार मोहब्बत अच्छी चीज़ है, बहुत करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको मोहब्बत, ज़रूरी नहीं कि आप यही कहें कि लड़की से जी, जी, हो, लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं है तो आप ज़िंदगी को ना इन्जॉय कर सकते हैं, ना आप मोटिवेट हो सकते हैं, और ना ही चीज़ें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं। ग्रेट जनाब, ये मेरा वाला जवाब दिया है कि मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने से भी मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप कभी किसी चीज़ से मोहब्बत या किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो फर्स्ट खुद से मोहब्बत कीजिए, और फिर उसके बाद आप देखिएगा इस तरह से ये मोहब्बतें फैलाना शुरू करने का मन होगा जनाब। तो चलते हैं ये सफ़र को लेके, थोड़ा सा आपको अपने शहर भी दिखाते हैं इस मौसम में, और हमें पकौड़े खा लेते हैं, रैपिड फायर यही ख़त्म करते हैं हम। अच्छा जनाब, इस वक्त हम मीडिया सेल में मौजूद हैं, मौजूद नहीं मतलब पहुंच रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। तो यहां क्या क्या गुफ्तगू होगी, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, ये यकीन हमें इतना सब बताएंगे। चले जी, अब जरा देखते हैं पूरा सेटअप मीडिया सेल का, क्या सेटअप होता है, कैसे ये नज़र रखते हैं हम सब पे, मेरा मतलब है न्यूज़ चैनल्स पे, दूसरे चैनल्स पे कैसे नज़र रखी जाती है। अच्छा, बकायदा लोग होते हैं जो उसको रीड कर रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं, कौन सा चैनल फेवर में जा रहा है, कौन सा फेवर में नहीं जा रहा है। ये हमारा जो न्यूज़ रूम है, न्यूज़ रूम है ये जी। अच्छा, लंच ब्रेक है। अच्छा, लंच ब्रेक है, ग्रेट।
जो खबरें होती हैं, सही होती है, वो यहाँ से जाती हैं। अच्छा, अगर कभी कभी कोई गलत खबर है भी निकल गई, बीच में गलत खबर निकल गई थी, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। कि यहाँ सब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लेकिन ये वैसे बंद हैं, हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है सबकी। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड, लेकिन वो थ्रू सैटेलाइट है, तो अगर केबल बंद भी हो जाए तो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वो रिकॉर्डिंग चल सारे चैनल्स। ओके, न्यूज़ चैनल्स हैं सारे का। सही, ये शायद किसी पार्टी के पास नहीं होगा। अरे वाह, जबरदस्त वाकई। और ये प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर लाइट्स हैं यहाँ तो जबरदस्त। यानी कि जब आप किसी चैनल पे जब ऑन एयर होते हैं तो वो आप यहाँ से भी करते हैं। मैं तो नॉर्मली रूम से करता हूँ, बट यहाँ से भी करते हैं, और इसको आगे इस्तेमाल करने के हमारे कुछ और मकसूद हैं। ये हमारे दोस्त हैं, अभी पीटीआई से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। अरे वाह, पीटीआई में ऐसा क्या था जो पीपल्स पार्टी में नहीं था, या पीपल्स पार्टी में ऐसा क्या है जो पीटीआई में नहीं था? पहला सवाल तो ये ताबड़तोड़ बनता है ना। इस शहर ने 2013 में इमरान खान साहब को 10-1 लाख वोट दिए, खान साहब ने कराची को भूल गए, मगर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी नहीं भूल रही कराची को। देखे कितने सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की क्यादत में हो रहे हैं। नासिर साहब जो हैं हमारे ट्रेड यूनियन के बड़े जी, सलामकुम नासिर साहब, एक्टिविस्ट हैं। जहरा भी बहुत एक्टिव हैं, सलामकुम जहरा, खवातीन के लिए बड़ा काम करती हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। होल लवली डे आपके साथ हमने गुजारा, आपकी फैमिली के साथ गुजारा, मजेदार पकौड़े हमने खाए, आपने खाए जो आपने अपने बचपन की कुछ यादों में से ताज़ा किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो भी आप नए कदम उठाना चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर, हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, अल्लाह तेरे उसमें कोई रुकावट ना आए और वो पुरसकून तरीके से जाए। ये आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर, आपने सारा दिन दिया। थैंक यू सो मच जनाब, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट मंडे आप लोगों से मुलाकात होगी, नई शख्सियत, नई गुफ्तगू और नए चेहरे के साथ। जनाब अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड के बाद का जो मंडे होता है उसका स्टार्ट तो मैं आपको अच्छा सा दे देती हूँ, अब पूरा हफ्ता आपने कैसे गुजारना है ये आपने तय करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।